वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज मेरे साथ है रवदीप भदान। रवदीप मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा हुआ है, शेरिडन कॉलेज से। सेम प्रोग्राम था आज। रवदीप एज अ सीएनसी प्रोग्रामर सीएनसी पर काम करता है। आज आपको सीएनसी की पूरी नॉलेज देंगे, क्या काम होता है सीएनसी पे करना होता है, कैसे ये जॉब मिलती है, सारी नॉलेज देंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। जल्दी से चलते हैं वीडियो में और आप आई होप ये वीडियो बहुत इन्जॉय करेंगे। जी मेरा नाम रवदीप बधान है, मैं इंडिया से होशियारपुर शहर का हूँ, पंजाब में है। और मैं कनाडा आया था 2016 दिसंबर में। तो मैं इनरोल्ड था इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में। सो ये 2 साल का कोर्स था। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हुए मुझे, काफ़ी कुछ काम करने को मिला, एक्सपीरियंस मिला। और नाउ फाइनली आई एम वर्किंग एज अ सीएनसी ऑपरेटर। आई ऑपरेट द लेटेस्ट सीएनसी X200 2021 हियर। सो जब तो मैं कॉलेज में था राइट, तो तभी यू कांट थिंक ऑफ अ प्रोफेशनल जॉब देन राइट, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी स्टडीज़ भी अभी चल रही हैं। सो फॉर दैट टाइम यू नीड टू गेट अ जॉब जिसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वो हर कोई अप्लाई करके कर सकता है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ बेकरी, वहाँ मेरा काम पैकिंग का होता था, मैं पैकिंग करता था, सफाई भी करते थे, झाड़ू भी लगाया मैंने। उसके बाद मुझे अमेज़ॉन में काम मिल गया, मैंने अप्लाई किया हुआ था, थोड़ी और बढ़िया जॉब हुई। अमेज़ॉन में एक्सपीरियंस लिया, 6-7 महीने वहाँ काम किया, फिर ड्रॉप में किया था मैंने राइट। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा कम टाइम मिलता था तो फिर पार्ट टाइम कहीं ढूंढ लिया, तो फिर मैं गैस स्टेशन पर लग गया। सो ऐसे ही करके चलो गुजारा करता रहा। बट मेरी जब स्टडी ख़त्म हुई उसके बाद मेरे पास बहुत ऑप्शंस आए और मैं यहाँ अभी सीएनसी चला पाऊँ। सो ये जॉब जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई राइट, तो पहला काम तो ये था कि अपना एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाऊँ, क्योंकि अब मैं मेरे पास एक्सपीरियंस में डालने के लिए बहुत कुछ था। सो मैंने अप्लाई किया इंडीड पे, काफ़ी साइट्स हैं, अप्लाई करो ऑनलाइन जाकर, आपको काफ़ी रिप्लाई आते हैं, जॉब ऑफर्स आते हैं। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड एक मेरा ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा था, वो भी सीएनसी ऑपरेटर था, तो मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसने मुझे एक दिन कॉल ही कर दी कि सर लाइक यू अप्लाइड फॉर द जॉब, मैंने कहा हाँ। तो ही कॉल्ड मी इन द वेयर हाउस एंड ही सर लाइक लेट यू कैन ट्राई हेयर राइट। सो मेरे लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे सीएनसी थी तो रिलेटेड था, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी थी। सो आई जस्ट वेंट फॉर द जॉब राइट। तो फिर मैं जब यहाँ आया, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था, उसके साथ कोऑप करना पड़ता है आपको राइट, सबके साथ। तो पहले मशीन देखी मैंने अपनी, ये नई मशीन थी तो काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए भी था। तो मुझे इस कंपनी में जो इटालियन कंपनी की मशीन है ये, तो वहाँ से उनके वेयर हाउस में मैं गया, उनमें उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी इटालियन कंपनी ने, वहाँ से सीखा कुछ लर्न किया, फिर मैं यहाँ आया। फिर मैंने बाकी मशीन्स भी देखी यहाँ पर क्या काम है मेरा, उस पर कॉन्सनट्रेट किया। धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्सेलिंग एंड माई कमांड ओवर द मशीन, इट वॉज गुड देन। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस से ठीक हो गया काम मेरा। ये है किचन एंड कैबिनेट्स की कंपनी है, तो यहाँ कस्टमर आते हैं, उन्होंने कस्टम किचन्स बनती हैं, वो कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं अपने घर के लिए या जैसे भी है। उनको हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डोर्स दिखाते हैं, मटेरियल दिखाते हैं कि ये मटेरियल है, ये मटेरियल है और ये, वो चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से उनकी वर्चुअल डिज़ाइनिंग किचन उनको दिखा देते हैं। जब वो फाइनलाइज हो जाता है तो जॉब आती है मेरे पास। उसमें क्या होता है, उसमें डायमेंशंस दी होती हैं मुझे, जिसमें डोर लिस्ट्स होती हैं। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, वो डायमेंशंस फिर मैं कंप्यूटर में डालता हूँ, कन्वर्ट करके एमएम में, उसको एमएम में कन्वर्ट करता हूँ जो भी उसकी मेजरमेंट्स होती हैं। उसके बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर है जो हमारा मैस्ट्रो यूज़ करता हूँ मैं राइट, तो मैस्ट्रो में फिर मैं टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्टाइल चूज़ करता हूँ डोर का और क्वांटिटी चूज़ करता हूँ कि एक साइज़ की कितनी डोर्स हैं। उसमें से ये सीएनसी कार्विंग करती है डिफरेंट स्टाइल, जो भी स्टाइल मुझे देंगे वही स्टाइल मैं चूज़ करके बोर्ड्स बना दूँगा पूरी शीट के, तो वो डोर्स कट हो जाएंगी। और ये MDF मटेरियल होता है, कंप्रेस्ड जो कार्डबोर्ड कह देते हैं ना, वो होता है ये। उसके बाद
मुझे ये देखना पड़ता है बीच बीच में कोई एरर तो नहीं है या कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे मशीन रुके या कुछ, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है इस काम में। और उसके बाद ये डोर्स जाती हैं सैंडिंग के लिए, फिर पेंट होता है इन पर, फिर असेंबलिंग होती है इन द फाइनल टच, फिर कस्टमर आता है, इंस्पेक्शन होती है, वो देखता है कि हाँ जॉब ऐसी है बनी है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है या कुछ चेंजेस है लास्ट मिनट चेंजेस, तो वो देखा जाता है। व्हेन इट्स डन तो ये जॉब रेडी होती है इंस्टॉलर्स के पास, तो वो इंस्टॉल करके आते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ न्यू गाय राइट, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस कम है, पहले आपको ये होना चाहिए कि जहाँ आप काम कर रहे हो पहले वहाँ एक्सपीरियंस लो और देखो क्या है राइट। सैलरी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 18 मिनिमम एंड बट आगे बढ़ती जाती है लाइक विद व्हाट यू गेन एक्सपीरियंस लाइक इन मंथ्स एंड मंथ्स राइट। उसमें फिर आपको लाइक $25 to $30 तक पहुँच जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड जॉब, टेक्निकल जॉब, not a labor job, it's a good, you get a chair and a cabin sitting in front of a computer, so it's a really good job and really good talent to show. If I see myself in coming 10 years, I think I'll be a businessman. Main business kar raha hunga is machine ke sath, kyunki abhi mera motive ye hai ki main isko, is business ko samjhu pehle, pura experience lu taki mujhe like pros and cons pata lage har cheez ke. जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आई फील कॉन्फिडेंट विच आई फील अ बिट, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस खुद का सेटअप करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काम क्या होता है, कैसे होता है। कोशिश तो यही है खुद का बिजनेस खोल। जो लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस नहीं करना चाहते या वो किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है ये। आपको प्रोग्रामिंग करने को मिलती है, CNC अकेली किचन्स नहीं बनाते, मेटल कटिंग होती है, जो जैसे हम गाड़ियाँ बनती हैं वो जो कटिंग होती है मेटल्स की वो CNC से होती है राइट। ये अगर आपके पास फील्ड है तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। आप किसी कार कंपनी में डिज़ाइनर का काम कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कहीं भी कर सकते हो आप। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप रेज्यूमे बनाओ अपना, अच्छी से एक्सपीरियंस लो जॉब का, और आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे व्हेन यू गेट इनटू द जॉब। तो दोस्तों अभी हम रवदीप की जो जौन से बिजनेस में काम करते हैं उसके अंदर हैं। रवदीप आपको बताएगा, पूरा समझाएगा कि वो कहाँ बैठकर क्या काम करता है, और हमें मशीन का टूर भी कराएगा। तो अभी देखते हैं दोस्तों। तो ये मेरी जगह है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो ये कंप्यूटर है और ये मेरा टेबल है। मेरे पास जॉब लिस्ट आती है जिसमें डोर का स्टाइल दिया होता है और ये डायमेंशंस आपको दिख रही होंगी, ये दी हुई थी। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, बस कंप्यूटर में डालता हूँ और वो फिर मशीन खुद ही डोर को अरेंज कर देती है जिस साइज की मैंने डायमेंशन दी होती है, एज यू कैन सी। तो ये फिर ऐसे कट कर देगी, मशीन बेड है, उस पर डोर जो कट हुई हैं वो पैनल स्टाइल की हैं और ये है, कट होने के बाद ये ऐसी लगती है। और अभी मेरा क्या काम होगा, जैसे ही हो गया ये मशीन खुद ही इसको स्लाइड कर देगी और बस मुझे डोर उठा के रखनी है, ये मेरा काम। आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको CNC ऑपरेटर की जॉब के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली हो, ये जॉब कैसे मिलती है, आप इसमें काम क्या होता है। और जाने से पहले मैं रवदीप से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो इंडिया है, कनाडा है या कोई भी कंट्री में है, जो कनाडा आना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो जो दोस्त मेरे यहाँ कनाडा आना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यहाँ आओ, जॉब्स करो और अपना रेज्यूमे बनाओ, एक्सपीरियंस ऐड करो उसमें, और फिर आपको अपने फील्ड रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी। बस गिव अप नहीं करना है, गो फॉर इट। बहुत ही अच्छा मैसेज है, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। गिव अप बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, और या फिर रवदीप खुद कर देगा। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द वीडियो।
थैंक यू रवदीप एंड थैंक यू बाय थैंक यू बाय।